गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोना ट्रांसफॉर्म माय मदर प्लाजो जो कि मुझे बहुत बातें सुनने के बाद मिली है। इसके साइड में एक पॉकेट है और इसकी वेस्ट में एक इलास्टिक बैंड है। सो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं और अब मुझे अपनी मम्मी के साथ ट्विनिंग भी करना था। सो हेयर आई एम ट्रांसफॉर्म दिस प्लाजो टू अ परफेक्ट फिटेड कुर्ती। सो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं प्लाजोस के लेग ज्वाइनिंग और हेम को सीम रिप्ट कर लूँगी और साथ में पॉकेट और इलास्टिक वेस्ट बैंड को भी। सीम रिप्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल और मेहनत का काम है। सो टेक योर टाइम, एक दो दिन भी लगे तो कर लेना आराम से। सो यहाँ सीम रिप्ट कर लेने के बाद कपड़े को आयरन कर ले। इफ़ यू आर अ बिगनर और अ प्रो आयरन ज़रूर करना है। देन प्लाजो को सेंटर से मिलाते हुए पिनअप कर ले और हाफ में फोल्ड कर ले। मेक श्योर प्लाजो सेंटर से फोल्ड हुआ है और अगर आपकी प्लाजो साइड से ज्वाइनिंग नहीं है तो इसे बनाना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। देन आप अपनी कोई भी कुर्ती ले ले जो आपको ठीक होती है, फिर उसको आप फोल्ड करके उसके ऊपर में रख दे या फिर आप अपने बस्ट के साइज़ को भी मेजर करके उसका 1/4 पार्ट ले सकते हैं और उससे 1 इंच का सेम अलाउंस रखते हुए कपड़े में मार्क कर ले। मेक श्योर आपकी प्लाजो एक्सेल साइज़ में है। अगर आपकी बस्ट 34 to 36 inches की है, अगर उससे ज़्यादा की हुई तो डबल एक्सेल साइज़ की प्लाजो ले या फिर ऐसी प्लाजो जिसमें घेर ज़्यादा हो। यहाँ मैंने कुर्ती से 1 इंच का सेम अलाउंस रखते हुए मार्क कर दिया है और शोल्डर से कुर्ती की लेंथ मैंने 33 inches की रखी है। आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंडेंट करता है। अब मैंने नेक को भी ड्रॉ कर लिया है कुर्ती के हिसाब से ही। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप मेजरमेंट लेके भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर मैं इसको पूरा कट कर लूँगी। मेक श्योर बैक साइड की नेक को अलग करके कट करना है क्योंकि वो डीप है। सबसे पहले आप फ्रंट को कट कर लिए फिर बैक को, नहीं तो दोनों सेम साइज़ की हो जाएगी। अब मैंने फ्रंट और बैक साइड को अलग अलग कर लिया है। सबसे पहले मैं फ्रंट साइड के नीचे जहाँ पर पॉकेट थी वहाँ पे उसको पिनअप कर लूँगी और दोनों के शोल्डर्स को भी मैं पिनअप कर लूँगी। फिर शोल्डर से बेली बटन के थोड़े ऊपर तक मैं उसको पिनअप कर लूँगी। यहाँ पे मेरा 14 इंचेस आया है, आप अपना मेजरमेंट करके आप उसको पिनअप करें। फिर मैं इन सबको स्टिच कर लूँगी। इसके बाद मैंने इस कुर्ती को ऐसे ही वेयर कर लिया था तो मुझे ये आर्म होल से चुभ रही थी और इसकी शोल्डर भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी, तो मैंने इसके लिए 1 इंच कपड़ा ट्रिम कर दिया है। आप ये कर भी सकते हो, ये ऑप्शनल है, बट आप इसको एक बार पहन के ज़रूर देख ले। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो आप उसको सही टाइम में ठीक कर पाओगे। देन मैं कुर्ती की साइड्स और नीचे को हेम कर लूँगी डबल फोल्ड करते हुए। सबसे पहले इधर आप पिनअप कर ले तब आपके लिए इजी हो जाएगी। और सबसे पहले आपको साइड्स को स्टिच करना है, उसके बाद नीचे को। कुर्ती के साइड्स को हेम कर लेने के बाद मैं इसके नेक और आर्म होल को फिनिशिंग दूंगी। यहाँ मैंने स्लीव अटैच नहीं की है, आप चाहे तो कर भी सकते हो। सो फिनिशिंग के लिए मैं बचे हुए कपड़े से 2 इंच का स्ट्रिप कट कर लूँगी। फिर कुर्ती की राइट साइड और स्ट्रिप की राइट साइड को मिलाते हुए पिनअप कर ले पूरे नेक एरिया को। पिनअप हो जाने के बाद एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े को कट कर ले, ऐसा आर्म होल में भी करना है।
स्ट्रिप्स को लगाने के लिए मैंने साइड्स को थोड़ा सेम रिप्ट कर लिया है, आप चाहे तो कर भी सकते हो बट इससे इजी हो जाएगी। इसके बाद मैंने इन सबको सिलाई कर लिया है। स्टिच कर लेने के बाद आप ऐसी छोटी छोटी कट कर ले, लेकिन आपको सिलाई को कट नहीं करना है। इसके बाद आप अंडर स्टिच कर ले ताकि जो कपड़ा है वो एक साइड को रहे। देन मैं कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए ब्लाइंड स्टिच कर दूंगी, जिसको तोरपाई बोलते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट स्टिच भी कर सकते हो बट लुक उतनी अच्छी नहीं आएगी। नेक और आर्म होल को फिनिशिंग दे देने के बाद मैं बचे हुए कपड़े से 1.5 इंच चौड़ा स्ट्रिप कट करूंगी। ये डबल फोल्ड में है, इसकी लेंथ ज़्यादा रखिएगा, करीब 36 इंच। देन इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर ले। और फिर एक क्लिप या फिर सेफ्टी पिन से डोरी को सीधा कर ले। तो मैंने ऐसी बड़ी डोरी बनाई है 36 इंचेस की और छोटी डोरी जिससे मैं 2 इंच में कट कर लूंगी, मिनिमम 16 पीसेस। Then you have to wear your kurti again and then pin up just under your bust. फिर वही पिन अप से हम ये 2 इंच की डोरी को लूप बनाते हुए पिन अप कर लेंगे। हाफ इंच की दूरी बनाते हुए यहाँ मैंने लूप को सेंटर से 5 इंच और शोल्डर से 11 इंच में लगाई है, आगे पीछे दोनों साइड में। देन मैं इसको स्टिच कर लूँगी। यहाँ मैंने लूप को कुर्ती से अटैच कर दी है। अब मैं इसमें डोरी इंसर्ट करूँगी। सबसे पहले डोरी में आप सेफ्टी पिन लगा ले दोनों एंड में, फिर डोरी को क्रिस क्रॉस करते हुए लूप में इंसर्ट कर ले। इससे ही आपकी कुर्ती की वेस्ट फिटेड लगेगी और आपकी बॉडी शेप को भी इन्हेंस करेगी। और क्रिस क्रॉस इफेक्ट तो ट्रेंड में है ही, ऐसा आपको दोनों साइड में कर लेना है। आप चाहे तो इन डोरियों में लटकन भी लगा सकते हो। लटकन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में डाल रखी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। सो आफ्टर ऑल ऑफ द एफर्ट्स हियर इज द फाइनल लुक। Guys, if you like this video but have not subscribed yet, do now for something new for future videos. And also click on the bell icon to get all the post notification. And don't forget to share this video to your friends and family. So guys, bye. Thanks for watching.